बहुत बड़ा लम्हा। रीवा मध्य प्रदेश से घर में खुशियां, फैमिली खुश। छह रन जरूर मिला लेकिन मुकाबला जीत गया राजस्थान रॉयल्स। कुलदीप सैन रीवा में आज पार्टी। रीवा के प्रतिभाशाली गेंदबाज कुलदीप सेन ने आईपीएल में अपना डेब्यू करते हुए शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन कर राजस्थान रॉयल्स टीम को मैच जिताकर पॉइंट टेबल में शीर्ष में पहुंचा दिया है। लखनऊ को मैच जीतने के लिए अंतिम ओवर में 15 रनों की आवश्यकता थी। इस बीच अपना डेब्यू मैच खेल रहे कुलदीप सेन ने किफायती गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को 3 रनों से मैच जिता दिया है, जिसके बाद रीवा में उनके चाहने वालों का खुशी का ठिकाना नहीं है। बता दें कि कुलदीप को अपने आईपीएल के करियर के दूसरे ओवर में ही सफलता मिल गई थी। उन्होंने दीपक हुड्डा को क्लीन बोल्ड करते हुए पूरे मैच में शानदार गेंदबाजी कर अपनी टीम को जीत दिलाई। उन्होंने इस मैच की सबसे तेज गेंद 146.4 की स्पीड से फेंकी, जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी दिया गया। उनके शानदार प्रदर्शन से उनके परिवार के साथ ही रीवावासियों में खुशी की लहर है। रविवार को राजस्थान और लखनऊ के बीच हुए मैच में राजस्थान की ओर से खेलते हुए रीवा के प्रतिभाशाली खिलाड़ी कुलदीप सेन ने अपना डेब्यू किया है। बता दें कि कुलदीप सेन रीवा के एक सामान्य परिवार से आते हैं। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया है। उनके पिता रामपाल सेन नाई का कारोबार करते हैं। रीवा के सिरमौर चौराहे में फाइन एयर कटिंग के नाम से सैलून की दुकान चलाते हैं। उनका परिवार रीवा के हरिहरपुर में रहता है। आखिरी ओवर में लखनऊ को जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी। इस दौरान राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने डेब्यू स्टार कुलदीप सेन को मैच बचाने की बड़ी जिम्मेदारी दी और उन्होंने ये हासिल भी किया। इस दौरान उनके परिवार में खुशी की लहर है। आइए सुनते हैं उनके पिता से प्राप्त जानकारी के अंश। अब हमको तो बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, गौरव हो रहा है कि आईपीएल में इनका चयन हुआ और खेलने का भी मौका मिला। तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि ये अच्छा परफॉर्मेंस करें जिससे इनका आगे का भविष्य तय हो। किस प्रकार आपने इसको सिखाया, कैसे मतलब आपको लगा कि वो खेलने हो? अब हम तो यही बोलते हैं उनको कि लगातार मेहनत करो जिससे आगे ही बढ़ते जाओ, पीछे कदम ना हटे। आप सैलून की दुकान डाल के आपको मतलब लगा कि लड़का इतना टैलेंट है, उसको किस तरह की प्रैक्टिस वगैरह दी गई आपने और कैसे क्या पूरी किस तरह से उन्होंने शुरुआत की? वो शुरुआत तो वो पढ़ने जाते थे, वहाँ स्टेडियम के बगल में उनकी स्कूल थी तो पढ़ने जाया करते थे। वहाँ क्रिकेट वगैरह के देखते थे, गेम होता था क्रिकेट का, वो ऐसे भी क्रिकेट देखते थे। तो उनके मन में हमको लगता है कि क्रिकेट के प्रति उत्साह था, तो वो वहाँ संपर्क अपने आप बनाए कोच के पास और ट्रेनिंग लेना वो शुरू कर दिए। साल भर वो ट्रेनिंग लिए, हमको मालूम नहीं हुआ। इसके बाद वो जिला टीम में उनका चयन हो गया, तो उनको सिंगरौली जाना था, तो वो कुछ पैसे की मांग की अपने माँ से। तो माँ ने हमसे सुबह बोले कि इनको कुछ पैसा चाहिए, जिला टीम में इनका सिलेक्शन हो गया क्रिकेट में तो जाएंगे ये। तो हम सोचे कि इनको पढ़ने भेजते हैं, ये जाते हैं क्रिकेट खेलने, बुलाए बच्चे को। तो हमने कहा कि तुमको पढ़ने भेजते हैं, तुम क्रिकेट खेलने जाते हो। तो गंभीर हो गया, बोला कि पापा पढ़ेंगे भी और अपने करियर की चिंता मुझे खुद भी है। फिर मैंने कुछ नहीं कहा और ये कोच जो है ट्रेनिंग देते थे, लेकिन पैसे वैसे की मांग कभी करते नहीं थे, ना बच्चा हमसे करता था कभी। और ये अच्छा सिखाए थे, कभी कभी बच्चा बताया करता था कि हमको मानते हैं, पैसा वैसा कभी मांगते नहीं और अलग से अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं। अब वो भी जो कहते थे तो वो करता था, मेहनत करता था। क्या नाम? रामपाल सैन।